चैनल, मैं हूँ सोनाली और आप देख रहे हैं इंडियन ब्लॉगर अनेज मॉम। तो आज मैं आप लोगों के लिए माय वेडिंग साड़ी कलेक्शन वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने मेरी शादी में साड़ियाँ कौन सी और कहाँ से ली थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो देख सके। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। साड़ियाँ दिखाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं महाराष्ट्र से हूँ और आप लोग भी महाराष्ट्र में रहते होंगे तो आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पर शादियों में ज्यादातर पैठनी पहनी जाती है और यहाँ पे येवला पैठनी काफी ज्यादा फेमस है। तो मैं भी येवला गई थी मेरी शादी की पैठनी लाने के लिए। तो मेरी शादी वाली पैठनी है ये देख सकते हैं कितना अच्छा सा प्यारा सा कलर कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर ये देखते हैं नीचे मोर बनाया है, ये देखिए यहाँ पर ऐसे मोर है। ये पूरी साड़ी में ऐसे बीच बीच में पूरे ऐसे मोर बनाए वाला है। ये पूरा हैंड से किया वाला काम है, ये देखिए अच्छे से। और कलर कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा है, मतलब कॉमनली वो जो रेड या फिर डार्क ग्रीन रहता है वैसा भी नहीं है। और ये जो कलर है काफी अच्छा है और इसमें ना एक अलग शाइन है, ऐसे कलर चेंज होते रहता है। और इसका पल्लू भी काफी प्यारा है और ये है इसका पल्लू। ये जो पैटर्नी है और इसके साथ मैंने और भी कुछ साड़ियां ली थी, मेरे मम्मी की साड़ियां ली थी और थोड़ी सी सिंपल से सिल्क वाली साड़ियां भी ली थी। यहाँ पर वो नहीं है क्योंकि मैं ज्यादा साड़ियां नहीं पहनती। तो यहाँ पर मेरे अलमारी में जो ज्यादा हेवी साड़ियां है जो मैं बहुत ही कम रेयरली पहनती हूँ वही साड़ियां है। बाकी की जो हल्की फुल्की सिल्क की साड़ियां है वो मैंने गांव पर ही रख दी है क्योंकि मुझे ज्यादातर साड़ियों का काम गांव में जाने के बाद ही होता है तो यहाँ पर मैं नहीं पहनती। लेकिन लास्ट वाला जो मेरा वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा, वट पूर्णिमा के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने साड़ी पहनकर बनाया था तो मुझे काफी अच्छा लगा था, इसलिए मैंने आज भी ये वाली साड़ी पहन ली है। तो चलिए फिर पॉइंट पे आते हैं। अगर आप भी कभी येवला जाए ना तो वहां पर सोनी नाम का एक शॉप है तो सोनी पैठनी में से ही मैंने ये साड़ियां ली थी। और ये साड़ी में ये सब पूरा वर्क है लेकिन इसकी फिनिशिंग देखिए ना कितनी अच्छी है। ये देखिए पीछे से आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, काफी अच्छा है। ये साड़ी मैंने 21,000 में ली थी, मतलब 21,000 में, क्योंकि शादी की साड़ी है तो पता तो होगा ही। ये तो हो गई मेरी शादी वाली पैठनी। तो इसके बाद वहां पर मैंने एक और थोड़ी सी हेवी वाली साड़ी ली थी जिससे कि बनारसी सिल्क या फिर हमारे इधर तो शालू बोलते हैं, तो वो है ये। ये देख सकते हैं इसका भी कलर ना यहाँ से, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो बॉर्डर का पार्ट है, मतलब डार्क पिंक कलर है लेकिन ये आपको कुछ अलग ही कलर दिख रहा होगा। ये देख सकते हैं इसका कलर कैसा चेंज होता है। ये भी काफी अच्छी साड़ी है और पहनने के बाद तो इतनी खूबसूरत दिखती है। इसका पल्लू दिखा देती हूँ, ये देखिए, देखा आपने कितना प्यारा पल्लू है इसका भी। तो ये भी मैंने वही सोनी पैठनी में से ही ली थी और ये सिर्फ मुझे लगभग 5-5.5 हजार तक मिल गई थी। 7 साल पहले की बात है, अभी मेरी शादी को 7 साल पूरे हो गए हैं। तो अभी थर्ड है एक लहंगा, मैंने एक लहंगा भी लिया था मेरी शादी में और वो है ये वाला। और ये मैंने औरंगाबाद से लिया था, वहां पर डिजाइनर नाम से एक शॉप है तो उसी शॉप में से ये मैंने लिया था। ये पूरा लहंगा नहीं है, मतलब लहंगा साड़ी है
आप लोगों को पता है कि बीच में ऐसी साड़ियां काफी निकली थी, 7 साल पहले की ये साड़ी है, तो उस टाइम पर काफी ज्यादा ट्रेंड में थी ये। तो ये हो गया उसका स्टार्टिंग का, जो हम साड़ी की तरह लपेटते हैं वो वाला पार्ट, और फिर से ये सामने आ जाएगा ऐसा पूरा ये लहंगा वाला पार्ट। ये तो होगा लहंगा वाला पार्ट, और फिर ये हो गया पल्लू। अगर आपको ये अच्छी तरह से दिख रहा होगा तो ये यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा डार्क रेड है, और ये यहाँ पे ये जो नीचे है थोड़ा सा लाइट है, मतलब ये दो कॉम्बिनेशन में साड़ी है। यहाँ पर ये डार्क दिखेगा आपको, ये देखिए, और ये जो है ना, ये देखिए यहाँ पर, और उस टाइम पर ये काफी ट्रेंड में था। ये अभी पहने ना तो दुल्हन जैसा लुक आ जाता है, ये देख सकते हैं कितनी प्यारी। हो गया पता नहीं, लेकिन इसका प्राइस मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि मैंने इसे डिजाइनर से लिया है औरंगाबाद के। मैं आप लोगों के साथ जो ज्यादा अच्छी और मेरी फेवरेट है वो वाली साड़ियाँ दिखा रही हूँ। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट साड़ी के ऊपर। तो ये भी मैंने डिजाइनर से ही ली थी, और ये एक नेट की साड़ी है, तो वो है ये वाली। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा है, और इसका वर्क भी कितना अच्छा है, फिनिशिंग काफी अच्छी है। और जब हमने ये वहां से साड़ियाँ परचेस की थी, तो पेमेंट होने के बाद भी उन्होंने हमें ये साड़ियाँ नहीं दी थी। कुछ दिन बाद, मतलब 1 या 2 दिन बाद उन्होंने हमें ये साड़ियाँ भिजवाई थी, क्योंकि वो वहीं से फॉल लगा कर देते हैं, तो उसकी अच्छे से फिनिशिंग करने के बाद ही वो भेज देते हैं। तो ये साड़ी भी मुझे काफी पसंद है। तो इसके बाद और एक नेक्स्ट साड़ी, वो भी नेट की है, वो है ये वाली। मैं ज्यादा साड़ियां नहीं पहनती, लेकिन अगर मैं पहनती हूं तो मुझे लगता है कुछ अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। मैं साड़ियों के मामले में काफी चूजी हूँ। इस पर भी कितना प्यारा जरी से किया वाला वर्क ही है नेट के ऊपर, तो ये बिल्कुल नहीं दिख रहा कि ये नेट के ऊपर है। ये देखिए, मैं आपको सिंगल करके दिखाती हूँ, ये है सिंगल, कुछ भी नहीं दिखता कुछ भी। और ये देखिए, ये बिना वर्क वाला नेट, इसी तरह के नेट के ऊपर ये पूरा वर्क बनाया हुआ है, और एक बड़ी सी यहाँ पर बॉर्डर भी दी है, तो इसका भी लुक काफी अच्छा आता है, ये देख सकते हैं। तो ये भी मेरी साड़ी मेरे फेवरेट में सी है, लेकिन मैं इन साड़ियों को ज्यादा पहन ही नहीं सकी, क्योंकि ये इतनी हेवी साड़ियां है कि कुछ फंक्शन में इसे पहना जा सकता है, और बाद में जब आने हुआ, तो आने होने के बाद से तो मैंने इन साड़ियों को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि इतनी हेवी साड़ी है, और ये अगर उसको चुभता ना तो छोटे बच्चों को दर्द होता है, इस वजह से मैंने यही इसको अभी तक नहीं पहना है। लेकिन अभी आने बड़ा हो चुका है, तो शायद अभी मौका मिले तो मैं इन्हें पहन लूंगी। तो ये भी कुछ 5,000 के आसपास की साड़ी है, और ये साड़ी मैंने नांदेड़ में सी ली थी। अगर आपको पता होगा तो नांदेड़ में अलका साड़ीज काफी फेमस है, तो मैंने ये अलका साड़ीज में सी ली थी। अभी मुझे जितनी मेरी नेट की साड़ियां पसंद है वो तो दिखा दी, मतलब लहंगा भी नेट का था और बाकी की दो साड़ियां भी नेट की थी। तो अभी की हमारी जो अगली साड़ी है वो ये वाली, किसी भी तरह से ये साड़ी आप पहन सकते हैं, और हर उम्र के ऊपर ये कलर काफी अच्छा, काफी प्यारा लगता है। अगर आप किसी पैठनी या बनारसी साड़ी में इन्वेस्ट करना चाहे तो आप इस कलर के, मतलब ऐसे डार्क कलर की साड़ी में जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा, ये भी काफी अच्छी साड़ी है। और इसके बाद लास्ट की मेरी साड़ी है, जो कि मुझे काफी पसंद आई है, मैंने हाल ही में यहाँ पूना से ही ली है। पूना में अगर आपको पता होगा तो मूलचंद शॉप काफी फेमस है, तो मैंने ये मेरी साड़ी मूलचंद में से ली है।
ये भी देखिए कितना प्यारा कलर है, और ये मतलब काफी रेयर कॉम्बिनेशन है। ये पिंक है और ये ब्लैक कलर का इसका कॉम्बिनेशन है। इसका जो ब्लाउज पीस था वो भी ब्लैक कलर का था, और मैंने इसे सिलाने के लिए डाल दिया है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है और मुझे मेरा ब्लाउज भी नहीं मिला है। इसका पल्लू दिखा देती हूँ, ये देखिए इसका पल्लू है। ये भी देखिए इसका जो बॉर्डर है काफी चौड़ा है और काफी सुंदर है। इसकी भी फिनिशिंग काफी अच्छी है, तो इसी वजह से मैंने ली। ये जो साड़ी है मुझे बहुत कम प्राइस में मिली थी। इस साल में कुछ ऑफर्स आते रहते हैं, तो वैसे ही इस पर कुछ ऑफर था। मुझे ये साड़ी सिर्फ 1500 में मिली थी, तो मैंने फट से ले ली। तो बस यही था मेरा साड़ियों का कलेक्शन। इसमें ज्यादातर मैंने मेरी शादियों की साड़ियां दिखाई है आप लोगों को, और बाद में सिर्फ एक या दो है जो मैंने बाद में ली थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि उसी से मुझे पता चलता है कि आपको किस टाइप की वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर इसी तरह के अलग वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी मेरे अगले वीडियोस में, अगले ब्लॉग्स में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।